हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं लाइफ मंत्रा वाइफ वर्षा। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको सैमसंग की वॉशिंग मशीन का फुल डेमो देने वाली हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको डेमो के साथ में कपड़े वॉश करना भी बताऊँगी। तो ये देखिए, ये है हमारी वॉशिंग मशीन। अभी मैंने वॉश टब में पानी चला दिया है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। तो ये हमारी जो मशीन है वो है सैमसंग की 7 kg वॉशिंग मशीन। तो अभी मैं बताती हूँ आपको इसके सिलेक्टर के बारे में। तो फर्स्ट वाला है वॉश टाइमर और यहाँ से होता है वाटर एंटर। ये है वाटर सिलेक्टर। अगर हम इसको इधर दूसरी साइड में कर देंगे तो पानी आएगा स्पिन टब में। तो ये देखिए, तो पानी अभी हमें चाहिए वॉश टब में। तो हम इसको वॉश टब की साइड में कर देते हैं और इसमें पानी भर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, अभी हम इसको ड्रेन की साइड में कर देंगे तो पानी जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको ड्रेन पे कर दिया है। पानी हमारा वॉशिंग मशीन से बाहर निकल रहा है, मतलब वॉश टब से पानी बाहर निकल रहा है। तो मुझे अभी कपड़े वॉश करने हैं तो मुझे इसमें पानी भरना है। तो मैं इसमें पानी भर लेती हूँ। ठीक है, और अगर आप इसको जनरल पर रहने देंगे तो आप इसमें नॉर्मल कपड़े वॉश कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े हैवी कपड़े वॉश करने हैं तो आप इसको स्ट्रॉन्ग पे कर दें। तो देखिए, ये है स्पिन टाइमर। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, मैंने वॉशिंग टब में पानी भर लिया है, वॉशिंग पाउडर भी डाल दिया है, बस टाइमिंग सेट कर दी है। और पहले हम इसको 2-3 सेकंड ऐसे ही चलने देंगे ताकि हमारा जो वॉशिंग पाउडर है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें कपड़े डाल देंगे। तो पहले मैं इसमें लाइट कलर के कपड़े डाल रही हूँ और वो वाले कपड़े डाल रही हूँ जो कि कलर नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ मैंने 15 मिनट की टाइमिंग सेट कर दी है। यहाँ पर कपड़ों को वॉश होने देंगे, तब तक हम अपना और भी कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट के बाद इसमें वजर बजेगा। जैसे ही टाइमिंग पूरी हो जाती है तो इसमें बजर बजेगा। तो देखिए, हमारे कपड़े वॉश हो गए। अभी हम क्या करेंगे कि कपड़ों को निकाल के और इस तरह से निचोड़ निचोड़ के, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, स्पिन टब में खोल खोल के डालते जाएंगे। तो देखिए, सारे कपड़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। बस इसको बंद करके टाइमिंग सेट कर देंगे। 2 मिनट के लिए हम इसमें पानी चला देंगे ताकि हमारे जो कपड़े हैं वो अच्छे से साफ होकर ड्राई हो जाएं। और इधर वॉश टब में मैं जो डार्क वाले कपड़े हैं उनको लगा देती हूँ। तो देखिए, सारे कपड़े अच्छे से ड्राई हो गए। बस इनको बाहर निकाल के सुखा देंगे। तो बस इनको इस तरह से उल्टा करके फटकार के सुखा देंगे ताकि इनमें जो भी थोड़ी बहुत सरवटें हों वो निकल जाएं।
तो ये देखिए मेरे दूसरे राउंड वाले जो कपड़े हैं वो भी धुल गए हैं, तो बस इनको भी मैं निचोड़ निचोड़ के फैला फैला के इसमें टब में डाल दूँगी। तो बस लास्ट में मैं इसमें जो मैट वगैरह होते हैं उनको डाल दूँगी। तो बस इस मशीन की यही खास बात होती है कि इसमें थोड़े से पानी और थोड़े से सर्फ में काफ़ी सारे कपड़े धुल जाते हैं, जबकि फुली ऑटोमेटिक मशीन में ऐसा नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने सारे कपड़ों को वॉश कर लिया। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है कि ये जो वॉशिंग टब है इसमें थोड़ा सा पानी भर के और एक बार इसको चला दें, बस पानी को बाहर निकाल दें। इससे क्या होता है कि वॉशिंग मशीन में स्मेल नहीं होती है। ठीक है, तो बस लास्ट में इसको एक बार सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दें। बस आधे घंटे तक इसको ऐसे ही खुला रखे रहने दें। आधे घंटे बाद इसको बंद करें और किसी कपड़े से ढक के रख दें। इससे क्या है आपकी मशीन जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होती और इसमें स्मेल वगैरह भी नहीं होती है। तो फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।